नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। और मैं अभी मेरे जो टूरिस्ट का ग्रुप है उसको लेकर आया हूँ। ये ओमान का एक छोटा सा गांव है, मछुआरों का गांव है, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और ये सामने बिल्कुल रोड के पास में एक कब्रिस्तान है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है घर है। हालांकि 80 के दशक में यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई थी, बाढ़ आ गई थी, उस वजह से ये सारा गांव बह गया था। तो अभी पुराने कुछ घरों के आप अवशेष देख सकते हैं और बाकी नए घर कुछ है। छोटा सा गांव है ये, एक फिशरमैन विलेज है। तो ये जो कसाब से दुबई का हाईवे है, उस हाईवे के ऊपर है। और ये देखिए आप, जो पुराने घरों के अवशेष है वो भी है। और ये एक कॉफ़ी शॉप भी है। तो यहाँ इंडियंस आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। ये एक साउथ इंडियन जो केरला का है, उसकी ये खोली हुई कॉफ़ी शॉप है। और ये इस साइड में जो कसाब की साइड में रोड जाता है, और ये सामने देखिए आप, समुंदर है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, अच्छा प्यारा लग रहा है। और ये जो दूर आप हाईवे देख रहे हैं, ये दुबई की तरफ में जाता। दुबई यहाँ से 180 किलोमीटर दूर पड़ता है, यानी कि लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता है। अच्छा इंटरनेशनल हाईवे है ये। और तो सामने ये कुछ मेरे टूरिस्ट है, फोटोग्राफी कर रहे हैं। और हालांकि आज हवा भी काफ़ी तेज है, तो लहरें भी काफ़ी ऊंची ऊंची है। हालांकि यहाँ पे अभी कम है, लेकिन फिर भी हवा काफ़ी तेज है। तो मैंने फ्री टाइम दिया है क्लाइंट्स को, क्लाइंट्स गांव में गए हैं और अभी कुछ वापस घूम के भी आ रहे हैं। थोड़ा सा ही दूर है गांव, इतना कोई ज़्यादा नहीं है, 100-150 मीटर का इतना ही ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस है। और ये यहाँ पे कुछ टूरिस्ट फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। तो अभी भी यहाँ जो मछुआरों के गाँव हैं, यहाँ पर एक तो समुद्र में जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, मैन उनका ये जो धंधा है यही है। और दूसरा है ये पशुपालन, यानी कि भेड़ बकरियां, भेड़ पालन और बकरी पालन है। तो आप सामने देख सकते हैं कि जो ओमानी है तो अपनी भेड़ों को ये जो खाना देता हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूरा ड्राई है, जो ये चूने के पत्थर के पहाड़ है और बारिश भी कम होती है, तो यहाँ चारा वगैरह तो ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। जो भी है बाहर से आता चारा, और ये लोग ज़्यादातर ये जो बांटा है, जो चापड़ के जैसा, गेहूं के चापड़ के जैसा है ये है, उसमें कुछ चारा वगैरह या ये जो घर का बचा हुआ खाना है वो मिला के भेड़ों को देते हैं। और भेड़े और बकरियां यहाँ पे मेनली दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, यानी कि मिल्क और मीट के लिए। तो इस प्रकार से कुछ भेड़ पालन होता है। और देखिए मेरे टूरिस्ट भी साथ में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। एक टिपिकल जो ओमानी मछुआरों का गांव है वो हम दिखाते हैं यहाँ पे, हमारे जो टूर प्रोग्राम में होता है कि भाई यहाँ की लोकल लाइफ कैसी है। और ये इस साइड में है जो ये हाईवे और समुद्र पड़ता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।